विकास तो इस सरकार में तो हुआ ही नहीं। जितना आपका सेंट्रल से उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा। दोबारा योगी जी आए और जो भी उन्होंने स्टार्टिंग की है कामों की वो कंटिन्यू रहे अगले 5 साल। जो देश को बनाता है उसको लाना चाहिए, ये चीज हम जानते हैं। किसने बनाया देश को? देश को बना रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है। योगी जी आएंगे दोबारा? बिल्कुल। मैं देखो, महंगाई तो हो ही रही है पर महंगाई के साथ साथ विकास भी बढ़िया हो रहा है इससे। एक साल नाच खिला दिया मोदी ने तो मर जाते खूब रोज रेज की। राशन पानी सब आ रहा है? हाँ खूब बढ़िया। अखिलेश की सरकार में आ रहा था? अखिलेश की में 2.5 किलो दाने मिले थे, गरीब आदमियों ने जब भी ना मिले थे, बढ़िया बढ़िया आदमी ले जाते। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है मोदी नगर के मोदी मंदिर के सामने। मेरे ठीक पीछे मोदी मंदिर है, यहां पे जानेंगे लोगों से जनता का मूड, जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल यहां का क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक। अभिषेक जी क्या करते हैं आप? हम तो यहाँ पे आए थे, जॉब करते हैं यहाँ पे। 2022 के चुनाव की बात करूँ, क्या लगता है बीजेपी की? अखिलेश जी? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि ये पिछले माहौल में तो मोदी जी ने ये लॉकडाउन के चलते, हाँ अखिलेश यादव ही जीतेंगे। अखिलेश जी आएंगे, ठीक है, आगे लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। भैया जी क्या करते हैं आप, फूल कब से रेडी लगाते हैं? मुझे तो 20 साल होगी। 20 साल में आपने कितनी सरकारें देखी होंगी? 20 साल में 4-5 सरकार तो देख ली। 4-5 सरकारों की अगर बात करूँ, सबसे बेस्ट किसका काम लगा, किसमें हुआ विकास? विकास तो इस सरकार में तो हुआ ही नहीं। योगी जी की सरकार में नहीं हुआ, किसकी सरकार में हुआ था? इससे पहले मायावती जी थी और अखिलेश जी थे, उन्होंने भी बहुत काम करे, पर इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, किस क्षेत्र में आपको लगा कि इधर बिल्कुल विकास नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ। अखिलेश के टाइम पे हुआ था? अखिलेश के टाइम में क्या, हमारे यहाँ जो पंडित सुदेश शर्मा जी हैं विधायक जी, उनके टाइम में हुआ। चाहे कोई भी सरकार आए, हमारे क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। आगे लोगों से बातचीत करेंगे। भैया जी क्या नाम है आपका? जयवीर जी। जयवीर जी क्या करते हैं? मैं यही हूँ, फूल वाले इनके दूंगे। क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है? भाई यही है जो भाई बता रहा है वही है सब। सपा? हाँ। सपा क्यों? भाई वही है, काम नहीं करना चाहते। ये दूसरी पार्टी है जो अब इस टाइम पे 5 साल में कुछ नहीं करा सब, और अब पहले सुदेश शर्मा आए थे वो भी, उन्होंने नहीं करा, तो अब भी यही चाहते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी है। अंकुर चौधरी क्या करते हैं? मैं जोमेटो राइडर हूँ। 2022 के चुनाव की अगर बात करूँ, क्या लगता है किसकी जीत होने वाली? हमारे इधर से जो जीत है वो RLD की है। RLD की जीत होने वाली? RLD की तरफ से पंडित सुदेश शर्मा जी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ से मैं जो आपको बता दूँ, 90% वोटर्स जो हैं इस समय सुदेश शर्मा जी के साथ हैं, और मुझे लगता है कि सुबह 12 बजे तक सुदेश शर्मा जी जीत हो जाएगी। पहले की सरकार में विकास हुआ था, अभी की सरकार में हुआ है? हमारे मोदीनगर क्षेत्र में आप देख सकते हो, खुद सीवर लाइन का काम चल रहा है, मेट्रो का काम भी चल रहा है। इसमें सीवर लाइन के काम में बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ, जो अभी आप जाके देख सकते हैं, सड़कें इधर भी जाके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब है। और मैं आपसे एक बहुत ही छोटा प्रश्न अपनी तरफ से करना चाहता हूँ कि मैं अपने अपने परिवार, अपने भाइयों, अपने साथियों से मिलकर भी यही कहना चाहूँगा कि विकास पुरुष को वोट देनी चाहिए, काम को वोट करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सरकार है। हमारे इधर से जो विधायक रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल जो विधायक रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर, मेरा जो तजुर्बा है, मेरी एज इतनी नहीं है, 25-26 साल एज है मेरी, पर मैं आपसे बिल्कुल एक स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पिछले 15 साल के अंदर जो विकास किया है, वो जो विकास 17 महीने में पंडित सुदेश शर्मा जी ने किया है, वो पिछले 17 साल में नहीं हो पाया। आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे बातचीत करना चाहूँगी, क्या लगता है 2022 में किसकी जीत होने वाली है? पंडित सुदेश शर्मा जी जीतेंगे। किसकी तरफ से? राष्ट्रीय लोकदल। तो विकास होगा उसमें? हाँ जी, पूरा विकास होगा। पहले वो विधायक थे, उन्होंने काफ़ी काम किए यहाँ पे, जैसे शौचालय और सड़कें वगैरह, और कॉलोनियों में भी काफ़ी अच्छा साफ सफाई का व्यवस्था कराई उन्होंने, और इस बार भी बनने के बाद वो काफ़ी काम करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम सुनील है। सुनील जी क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं हलवाई। 2022 चुनाव की बात करूँ, किसकी जीत होने वाली है? जीत अखिलेश। अखिलेश की? क्या क्या विकास किया अखिलेश जी ने? बहुत विकास उन्हीं का हुआ, और किसी का विकास नहीं है। योगी जी की सरकार में कोई विकास नहीं? विकास नहीं, अखिलेश का ही आएगा। अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आएंगे। आगे बातचीत करते हैं लोगों से, कुछ युवा मौजूद हैं मेरे साथ। क्या लगता है योगी जी की सरकार में ज़्यादा रोजगार मिला था है कि अखिलेश की सरकार में मिला था? अब भी ऐसा, हमें मेट्रो में काम कर रहे हैं हम लोग, रोजगार है फिलहाल में। और क्या मान लो, 5 साल का टारगेट है ये, 5-7 बंदे रोजगार कर रहे हैं, कहीं भी
मान लो कहीं से देश से आए, मतलब हम भी मेडिकल स्टाफ से वैसे, तो हमारे हाथ से कम से कम 5-4 बंदों को इंडक्शन हुआ हो चुका है इसमें, तो मान लो 5-4 बंदों को रोजगार मिला ना, तो वैसे ही है मान लो एकदम से तो कोई भी काम नहीं होता। मान लो 5 साल में बंदा आया है तो आगे उसको देखेगा पहले आके तो करेगा, मतलब एकदम से वो पहले से वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो चुका था तो आगे आगे के लिए आएगी तो और भी करेगा बंदा। मतलब एक बंदा कोई जम गया पहले, अब उसको फिर उखाड़ के दे दिया है तो आगे पहले तो अपना जो दूसरी सरकार आएगी और वह बैनर को चिपकाएगी उसमें 300 करोड़ ख़त्म कर देगी। मतलब ऐसे हमारे राजस्थान में हुआ था, हम राजस्थान से हैं, राजस्थान में हुआ था पहले, क्योंकि उन्होंने अन्नपूर्णा चलाया था तो आगे अशोक गहलोत जी ने वो अन्नपूर्णा के वो बैनर सारा को 300 करोड़ ख़त्म कर दिए। और 300 करोड़ अगर जनता को मिलता तो होता, अब जनता अगर योगी जी को लाती है द्वारा तो एक बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से, मैं जानता हूँ। और प्लस एक रोड वोड तो सारा कुछ बना दे, लेकिन जो देश को बनाता है उसको लाना चाहिए, ये चीज हम जानते हैं। किसने बनाया देश को? देश को बना रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है। योगी जी आएंगे दोबारा? बिल्कुल। क्या लगता है भैया जी, विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है। 5 सालों में कितना विकास हुआ है? 5 साल में काफी काम हुआ है, मगर अब ये काम जो करवाए सुदेश शर्मा ही करवाए, उन्होंने पास प्रधानमंत्री भी रहे, चेयरमैन भी रहे, उन्होंने जब काम करवाया, विधायक रहे जब भी करवाया, अब विधायक भी वही बनेगी। योगी जी के 5 साल में कितना काम हुआ? 5 साल में सरकार तो योगी जी की आएगी, खैर ये तो हमें भी पता है, हमारे यहाँ जो विधायक बनेंगे सुदेश शर्मा ही बनेंगे। लोग और बढ़ते हैं, लोगों से आपको अब बात करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि लोगों का क्या मूड है, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांक है। क्या लगता है 2022 के चुनावी माहौल की बात करूं, कौन आने वाला है? मैम मुझे लगता है योगी जी आएंगे वापस। क्यों? लोग काफी खुश हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए कि क्राइम रेट बहुत कंट्रोल हुआ है। विकास से पहले हमें क्राइम रेट जो दरें हैं वो बहुत तेजी से कम आई है, बल्कि अगर आप आंकड़े भी देखोगे तो भी आधे हुए हैं जो आपके गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं आंकड़े, तो इस हिसाब से मुझे लगता है योगी जी आने चाहिए। 5 साल के उनके काम से आप खुश हैं? हाँ जी। मैम आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? योगी जी आएंगे। क्यों? सेम रीज़न है, क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, दहशत कम हुई है, तो आई थिंक योगी जी आएंगे और उनका आना ही बेटर होगा। प्रियंका गांधी? नहीं। लड़कियों लड़ सकती हूँ अभियान चला रही है, लड़ पाएंगी? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है योगी जी का आना। तो योगी जी आप कह रहे हैं। एक महिला मौजूद है मेरे साथ, मैडम क्या लगता है 2022 के चुनाव की बात करूँ, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? नो कमेंट। व्हाई? ऐसे ही, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन इलेक्शन एंड ऑल, थैंक यू। किसी को तो वोट देंगे इस बार? ऑफ कोर्स बीजेपी को ही जाएगा। क्यों जाएगा बीजेपी को वोट? चाहती है पब्लिक, लेडीज सेफ है, चीज है, काम अच्छे कर रही है, रोड्स वगैरह इतना सब कुछ किया है, तो बीजेपी को ही बनता है। तो आप देंगे योगी जी को वोट देने वाले हैं इस बार? ठीक है। आंटी जी क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? योगी जी। क्यों योगी जी? हमें लग रहा है सही। क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ 5 सालों में? अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हुए फूल वाले से मैं बातचीत करना चाहूँगी। भैया जी क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? हम तो सुदेश शर्मा जी को देंगे जी वोट। सुदेश शर्मा जी को? क्या विकास हुआ है उनमें? पहले भी करा आप भी करेंगे। अच्छा, योगी जी की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी तो ठीक है, पर जो पहले थे उन्होंने कोई विकास नहीं करा। अंकल जी आपसे बातचीत करना चाहूंगी, 2022 का चुनावी माहौल क्या है मोदी नगर में? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी शुरू से अच्छी लगती है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। कोई नहीं करा उन्होंने, विधायक मोदी को वोट जा रही है, मोदी को वोट जा रही है, उनके चेहरे के लिए जा रही है। चेहरे के लिए। विकास हुआ है योगी सरकार में कुछ? यहाँ विकास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो करा ही नहीं है, यहाँ पे विकास यहाँ वाले नहीं करा विकास, विकास तो वो भी करता, लेकिन विकास क्यों नहीं कराया? ये तो हम भी कहेंगे आपसे कि यहाँ इतना बहुत नगर नाले खराब हैं, कोई चीज़ सही नहीं करवा के दी। बिजली पानी? बिजली बढ़िया। और महिला की सुरक्षा? सुरक्षा तो बीजेपी को होती ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। 2022 चुनाव की बात करूं, क्या लगता है किसकी जीत होने वाली? अब की बार भाजपा सरकार। क्यों? काफी अच्छा काम किया उन्होंने, जैसे कि सबका विकास कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो लगता है हमें कि भाजपा सरकार ही आएगी। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 5 साल के कार्यकाल की बात करूं योगी सरकार के, कितना विकास हुआ? मैक्सिमम क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ और गुंडागर्दी से भी खत्म हुई है, काफी लोग सुरक्षित हैं और बहने बेटी रात तक भी आदमी बाजार में कहीं घूम सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती इस बारे में। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि क्या है 2022 का चुनावी माहौल। भैया जी क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी क्या करते हैं आप? जॉब।
क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या होने वाला? योगी जी क्यों? बस कुछ तो अच्छा लगा होगा उनको, कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। क्या? बहुत सारी चीजें हैं, वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है उनका, जितना आपका सेंट्रल से उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही ज्यादा विकास होगा। डबल इंजन की सरकार आएगी आप कह रहे हैं, क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं अगल बगल में अभी जो अभी प्रज्वलन मुद्दा जो है रोजगार का है, और आसपास में रोजगार के कारण और बाकी जो बहुत सारी बहालियां हैं, जैसे आरआरबी का आपने देखा होगा, बहुत सारे इस पर आंदोलन भी हो रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोग युवाओं को जो रोजगार मिले, और जो भी रिजल्ट वगैरह रुक रहे हैं समय से एग्जाम हो, समय से उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। तो आप कह रहे योगी की सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला? कोई की बात नहीं है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। जब देखिए एक जनसंख्या के हिसाब से यूपी बहुत बड़ा एक आपका राज्य है पूरे देश में, तो उस हिसाब से यहाँ पर रोजगार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, रोजगार नहीं मिला मैम, सुरक्षा मिली योगी सरकार में? अगर देखा जाए सुरक्षा के नज़र में तो उतना तो नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अखिलेश की सरकार में मिला था? नहीं, तब भी नहीं मिला था। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे वो लोग कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कोऑपरेशन करके, क्योंकि वो लोग हैं किसके लिए, सरकार हमेशा जनता के लिए होती है, और जनता की बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस होती हैं और बहुत सारी ऐसी हम लोग डिमांड्स करते हैं, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हमारे नीड्स को। तो हम एज अ पब्लिक वी जस्ट वांट कि ऐसी गवर्नमेंट बने जो एटलीस्ट हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो योगी सरकार दोबारा आने वाली है कि नहीं आने वाली? लगता तो ऐसा ही है कि योगी आएगी। आपका समर्थन है कि नहीं है? तो कुछ किसी का भी समर्थन है, आई एम अ न्यूट्रल पोस्ट राइट नाउ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। और लोगों से बातचीत करते हैं, बढ़ते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। क्या लगता है 2022 के चुनावी माहौल क्या है आप? बीजेपी जीत जाएगी। क्यों? जिस तरीके का लोगों का है अभी मतलब फोकस, तो वो चाहते हैं कि दोबारा योगी जी आएँ और जो भी उन्होंने स्टार्टिंग की है कामों की वो कंटिन्यू रहे अगले 5 साल। खास क्या विकास हुआ मोदी नगर की बात करूँ बस? तो मोदी नगर में अगर देखा जाए ओवरऑल तो इतना कुछ खास विकास रहा नहीं है, जिस वजह से चांसेस कम है कि यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट हैं मंजू शिवा शायद वो ना जीत पाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मैम आपका 2 मिनट जाना चाहूँगी। योगी जी? मैम वी आर गोइंग विद योगी जी, बट हाँ इतनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो जो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए मोदी नगर में वो सर्विसेज नहीं है। लाइक हर एक इंडिविजुअल को सर्विसेज के लिए जॉब के लिए हमें दिल्ली नोएडा जाना पड़ता है, तो वो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड, तब तो गवर्नमेंट हमारे लिए बेस्ट भी है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी वो हमारे लिए बेस्ट है, चाहे वो वी आर न्यूट्रल कोई भी आए, बट जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वी आर गोइंग विद दैट। लेकिन आप किसको वोट देने वाले हैं? आप भी तो किसी सरकार को देंगे ना इस बार? चांसेस तो यही है कि अखिलेश यादव जी को देंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। अखिलेश सरकार में मिला था रोजगार जॉब्स? ऐसा कोई लाइक कंफर्म तो नहीं है, नॉट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ कोई वर्क नहीं करा। आप यहाँ की रोड्स को देख सकते हैं, जीरो परफॉर्मेंस है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है। तो जो बेस्ट देंगे हम उनको वोट देंगे, वी आर न्यूट्रल। और लोगों से बातचीत करते हैं, जाने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है, जनता का क्या मूड है। आपसे बातचीत करना चाहूंगी अंकल जी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? योगी। क्यों? काम देखो कैसे अच्छे कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ, सब काम बढ़िया हुआ है। जैसे कि क्राइम कितना कम हो गया और विकास हुआ? विकास हुआ क्यों? 5 साल में कह रहे विकास की गंगा बह रही है। तो ये थी 2022 के जनता की राय, मोदी नगर की जनता की राय, लेकिन ये ताज किसके सर पे सजेगा वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी, कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।